अभी मैं साइकिल से, देख सकते हो, साइकिल से जा रहा था। यानी ये ग्रामीण क्षेत्र है, इधर से मैं गुजर रहा था तो मुझे प्यास लगी थी। तो तीन, मतलब 15 साल 16 साल के बच्चे होंगे, तो वो साथ में जा रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि इन दोनों कल में, मतलब इन दोनों चापाकल में कौन से, मतलब चापाकल का पानी ज़्यादा सही होगा। तो उसमें से एक लड़के ने कहा कि जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि शायद ये किसी दलित परिवार का चापाकल नहीं है, कि यहाँ से पी लेना चाहिए। तो मैंने बोला क्यों, यहाँ से पीने में क्या, मतलब परेशानी हो सकती है। तो उसने बोला कि ये जो चापाकल है जिसमें आप पीने की बात कर रहे हो, वो एक मतलब ऐसे परिवार का है जो कि जिनको, जिनसे, मतलब क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब मुझे कहने में भी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। यानी कि उसमें से पानी भी छुआ हुआ निकलेगा, छुआ हुआ इन द सेंस छुआ छूत वाला भावना। तो ये सारी चीज़ें आखिर बच्चों के दिमाग में आज भी भर कौन रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटीज के अच्छे खासे कहे जाने वाले परिवार हैं, या कोई भी परिवार है, यही तो अपने बच्चों के मन में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। पानी तो मैं पीऊँगा तो इसी से पीऊँगा, इसी कल में, चापा कल में। अब ये उन बच्चों के नज़र में जो भी हो, वो बच्चे इधर से आगे चले गए हैं। मेरे पीछे आपको एक, आपको ये जो रोड दिख रहा है, इसी रोड से वो बच्चे गए हैं। तो उस टाइम मैंने बस उनको इतना ही बोला कि ठीक है, जो लोग, तुम लोग जो भी बोल रहे हो ठीक है तुम्हारे नज़र से, लेकिन तुम ये बताओ, अगर तुम्हारा कहना ये है कि उसमें से पीने से सही रहेगा और इसमें पीना सही नहीं रहेगा, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि उसमें से कुछ अलग प्रकार का पानी निकल रहा है, यानी छान के निकल रहा है, यानी उसको साफ करके अलग तरीके से निकाला जा रहा है? तो मजाक, मजाकिया तौर पे बोला कि हाँ, कि वो में से छनौता में से छान के निकला था। यानी छनौता इन द सेंस, जैसे जो पूरी पकौड़ी जो लोग छानते हैं जब कोई भी चीज़ बनता है, तो उसमें का जो छानने वाला होता है, जो तेल में से जब हम लोग निकालते हैं पकौड़े, तो उससे निकल रहा है। तो उसने मजाकिया तौर पे बोला, लेकिन ये चीज़ बहुत सीरियस है, ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जाति धर्म से ऊपर उठ के एजुकेट करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पानी पी चुका हूँ और इसी चापाकल में पानी पिया हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। कहीं ना कहीं आज हिंदू समाज पीछे है, तो उसका कारण माँ बाप और समाज की वो सारी धज्जाएँ हैं जो सोचती हैं कि चापाकल में। ये चीज़ मैंने आज अपने आँखों से जब करीब से महसूस किया, मैंने खुद के साथ, जब उसने बच्चा बोला कि ये वाले कल में से पी लीजिए, उसमें से मत पीजिए, वो एक ऐसे परिवार का है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं आज भी हिंदू परिवारों को दलित, महादलित, सर्वण, वैश्य, क्षत्रिय से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बात दो चापाकल से पानी पीने भर की नहीं है, बात यहाँ है सोच की। भले ही वो बच्चे अभी नादान छोटे से बच्चे थे, लेकिन जैसे जितने भी परिवार हैं, उनको अपने बच्चों को जाति धर्म छुआछूत से ऊपर उठ के सोचने के लिए और बताने के लिए ज्ञान देना चाहिए और अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। भारत बहुत ही प्यारा देश है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर होने के बाद, डाइवर्स होने के बाद भी देश एक है, तो इसकी अखंडता बनी रहे, इसके लिए हम सबको अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान देने चाहिए, जिससे कि वो इंसान बन सके और देश के अलग अलग पहलुओं में अपना योगदान निभा सके। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।
वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।